मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। राजधानी भोपाल के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि खेल आपने शुरू किया था, खत्म हम करेंगे। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। कुछ भी कर सकती है इस देश के अंदर कांग्रेस को। हमेशा हम देखें, वो देश को जातियों में बांटना चाहती है। जब भी किसी जाति की बात आती है वो आगे आ जाती है, और कोई हिंदुइज्म की बात करे तो सांप्रदायिक चिल्लाने लगते हैं। वो चाहते हैं कि जातियों में देश बटे, और हाथरस का प्रयोग भी वही था। हाथरस एक संयोग नहीं, प्रयोग था। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर और क्या बताएंगे कमलनाथ जी। वैसे आप खुद अक्षम हुए, आप खुद फेल हुए। जो शुरुआत उन्होंने की थी उसी में हार गए। सबसे पहले हमारे दो विधायक वो ही लाए थे, अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाला था। तब हमने कहा था कि खेल आपने शुरू किया है, ख़त्म हम करेंगे। अपने बोले जाल में फंस गए तो और क्या कहेंगे। पूरी की पूरी सरकार गंवा दी खुद के बुने जाल में। वास्तव में कोरोना का अभियान इसलिए भी चलाना आवश्यक है, मैं प्रधानमंत्री जी के बात से अपने आप को सहमत पाता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ से जो कदम उठाए वो विश्व में सराहे गए। चाहे वो लॉकडाउन का हो, चाहे दो गज की दूरी हो, चाहे मास्क का हो, और जब अनलॉक हो गया है मामला, सारे देश की गतिविधियां पूर्ववत संचालित होने को जा रही हैं, ऐसे में मास्क एक बहुत बड़ा बचाव का रास्ता है, या यूं कहें मास्क ही वैक्सीन है। इस समय दवा का काम कर रहा है, और मैं अपील करना चाहूँगा कि दो गज की दूरी, मुंह पर मास्क का, माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का सब लोग अनुसरण करें।